नागौर ले चलते हैं, जहां पर आज हनुमान बेनीवाल जो कि एनडीए के प्रत्याशी है वो भी अपना आज नामांकन दाखिल करेंगे। फिलहाल बाबूलाल धार संवाददाता हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, बेहद दिलचस्प मुकाबला इस सीट पर देखने को मिलेगा लोकसभा चुनाव में, जहां एनडीए के प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल का ज्योति मिर्धा से कड़ा मुकाबला रहने वाला है। क्या कुछ जानकारी, कितनी देर में अपना नामांकन दाखिल करेंगे हनुमान बेनीवाल? तो आपको बता दें कि आज नामांकन का आखिरी दौर है, 18 अप्रैल आखिरी तारीख। तो आज तमाम जो प्रत्याशी है बचे हुए वो अपना अपना नॉमिनेशन कर रहे हैं, और इसी कड़ी में नागौर से एनडीए के प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल, जिन्होंने बीजेपी से गठबंधन कर लिया है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी से गठबंधन कर लिया और उनका मुकाबला कांग्रेस की ज्योति मिर्धा से है नागौर पर। बेहद दिलचस्प मुकाबला ये रहने वाला है, और इसी के चलते आज हनुमान बेनीवाल भी अपना नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। आज के दिन भी नामांकन का दौर जारी रहेगा, क्योंकि आज आखिरी तारीख है नामांकन दाखिल करने की प्रदेश के लिहाज से। और संवाददाता बाबूलाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, इस सीट पर बेहद दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा, और हनुमान बेनीवाल कितनी देर में अपना नॉमिनेशन दाखिल करेंगे? हनुमान बेनीवाल अपने घर से अब रवाना ही हो रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं के बीच में वो घिरे हुए हैं। उनकी जय जयकार के नारे उनके कार्यकर्ता लगा रहे हैं, और नागौर जो संसदीय क्षेत्र है वहाँ के कोने कोने से उनके कार्यकर्ता पहुंचे। हनुमान बेनीवाल हमारे साथ मौजूद है। बेनीवाल साहब, 2008 में आप जीते, 13 में जीते, 18 में जीते, लेकिन खींवसर जीत रहे थे, पूरा नागौर जीतने की क्या बार इस बार आ गई है? देखिए, नागौर निश्चित रूप से जीतेंगे इस बार। तो जब मैंने आरएलपी जन आंदोलन करके आरएलपी पार्टी का गठन जब किया था तो 57 सीटों पर उम्मीदवार लड़ाई में नागौर से बाहर चला गया था। मैं अलवर जिले में भी चला गया था, मैं गंगानगर जिले में भी चला गया था, मैं चित्तौड़ में भी चला गया था, भीलवाड़ा में भी चला गया था, टोंक सवाई माधोपुर में भी चला गया था। हनुमान बेनीवाल ने 57 सीटें राजस्थान के प्रत्येक कोने से लड़ी, और 57 से पे ही नहीं, अगर मैं 200 सीटों पर लड़ा था तो वोट परसेंटेज भी बढ़ जाता, हो सकता मेरे विधायक भी बढ़ जाते, लेकिन मुझे कोई इतनी जल्दी नहीं थी। मैं जन आंदोलन के माध्यम से राजस्थान के किसानों को न्याय दिलाना चाहता था, जन आंदोलन के माध्यम से मैं व्यवस्था परिवर्तन राजस्थान के अंदर करना चाहता हूँ। हनुमान जी, सवाल ये है कि आपको जिताना नागौर के लिए जरूरी क्यों है? ज्योति मिर्धा भी सामने आपके। देखिए, ज्योति मिर्धा को एमपी रूपाराम जी डूडी और मैंने ही बनाया था, उस समय बीजेपी के अंदर था, रूपाराम जी कांग्रेस के अंदर थे, उन्होंने कहा था कि इसकी अपन मदद करें तो हो सकता है कि दिल्ली रहती है, बाहर पढ़ी लिखी है, नागौर का विकास करेगी। तो रूपाराम जी के कहने से हम सब इसके साथ हो गए। बीजेपी में रहते हुए भी मैंने ज्योति का सपोर्ट किया, इसे फिर बाद में पार्टी के अंदर हमारी लड़ाई बढ़ गई, फिर वसुंधरा जी झगड़े बढ़ गए थे, उस समय आंतरिक लोकतंत्र को लेकर मुझे पार्टी से निकाल दिया गया था। ज्योति मिर्धा 5 साल के अंदर पार्लियामेंट में एक बार भी अपनी सीट पर खड़ी नहीं हुई, और तो और संसद को जो बजट मिलता है वो बजट भी खर्च नहीं कर पाई। अखबार वालों ने पूछा कि आपने बजट खर्च क्यों नहीं किया, तो बोली मैं भूल गई थी बजट खर्च करना। और दूसरा, 10 साल में न तो उसका कोई फोन नंबर है, न कोई घर का एड्रेस है, तफरी मारने के लिए नागौर आ जाना कोई मजाक नहीं है। नागौर का व्यक्ति मान सम्मान, नागौर के लोग अब चाहते हैं कि राजस्थान और देश के अंदर हमारा नाम हो। हमारा मजबूत व्यक्ति जो नागौर की पैरवी राजस्थान में कर रहा है, वो दिल्ली के अंदर नागौर की पैरवी करे, जो जिन नेताओं की वजह से नागौर विकास में पीछे रह गया आता था, अब कलेक्ट्रेट भी सीटी बजाती बाहर आ जाती सड़क। भैया हनुमान बेनीवाल ने इन नौजवानों को, और तो और ज्योति मिर्धा के पियर के अंदर जहाँ 4-4 फीट कीचड़ था, वहां मैंने धरना देखे, मेरे मुकदमा खाया, और उसमें सीसी रोड हनुमान बेनीवाल ने बनाई, ये 2015 के अंदर। तो इससे ज्यादा मैं ज्योति मिर्धा का जो पीर का मोहल्ला है उसमें भी रोड मैंने बनाई। अब उनको पूछो कि आपके पीर तक तो काम मैंने किया, और कितना काम करूँ पूरे राजस्थान के अंदर, इतना काम मैंने किया जितना बड़ा आंदोलन कोई करने, अकेला सड़कों पर लड़ा हूं, विधानसभा के अंदर लड़ा हूं, और खींवसर को तो आगे बढ़ाया, इस जिले को, किसानों का मान सम्मान गौरव अकेले हनुमान बेनीवाल ने विधानसभा के अंदर, पिछली बार कांग्रेस नहीं लड़ रही थी, कांग्रेस तो बीजेपी की गोद में बैठी थी, 5 साल पिछली सरकार से अगर कोई लड़ा था तो हनुमान बेनीवाल सड़क से लेकर विधानसभा तक अकेला व्यक्ति लड़ा। अब आप गठबंधन के उम्मीदवार हैं, तो ऐसे में उम्मीद क्या है? बीजेपी का कार्यकर्ता किस तरह से आपके साथ में लगा है, और कैसे आप यूनाइट होकर चुनाव लड़ रहे हैं? कांग्रेस के लोग ये सोचते हैं कि बीजेपी हनुमान बेनीवाल के साथ नहीं जुट पाएगी, इसलिए वो जीत के सपने देख रहे हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, जीत का सपना मैं नहीं देखता, मैं जिद्दी हूँ, जीत करके
मैंने जीरो से शुरुआत करी थी। ज्योति मिर्धा निर्दलीय लड़े तो मुझे नहीं लगता 5,000 वोट भी लेगी, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने जीरो से शुरुआत करी। 3 में भी इंडिपेंडेंट लड़ा था, 40,000 करीब वोट आए थे। पिछली बार भी लोकसभा का चुनाव लड़ा था, विपरीत परिस्थितियों के अंदर 1,60,000 वोट पिछली जब मोदी जी गांधी थी उसमें भी आए थे। पूरा बीजेपी का कार्यकर्ता मेरे साथ खड़ा। मैंने ज्योति मिर्धा की तरह साधन नहीं लगाए जिले के अंदर, अपने अपने साधनों से। आप देखना कि किस तरह युवा भारतीय जनता पार्टी की मूल पूरी टीम, युवा मोर्चा और 36 कौम आज हनुमान बेनीवाल को समर्थन देने के लिए नागौर की धरती से, ये राजस्थान की सबसे बड़ी नामांकन रैली होगी जहां अपने आप लोग जयकारे लगाते हुए, और इससे मेरे चुनाव लड़ने से राजस्थान में जातिवाद भी खत्म हो जाएगा। आप देखना 2-3 दिन के अंदर स्टेट के अंदर क्या बनते, सारे लोग गले मिलेंगे, भाई भाई एक दूसरे, ये भी कर दी हमने व्यवस्था। जीत ऐतिहासिक होगी या आपको संघर्ष करना पड़ेगा? देखिए खींवसर के अंदर जो चुनाव हुआ था उसमें खींवसर के लोगों ने मुझे कहा था, मैंने कहा मुझे राजस्थान में बाहर जाना है, तो इन्होंने कहा आप तो बाहर जाओ, प्रत्येक व्यक्ति हनुमान बेनीवाल बनके लड़ेगा। इसी तरह नागौर में अभी तड़के 3 बजे मैं मकराना पर्वत सर से आया हूँ, 3-3 बजे तक महिलाएं बाहर खड़ी थी कि हनुमान जी टायर्स को वोट देंगे जाओ। मतलब अपना अभी चिन्ह का मेरा चिन्ह भी छीन लिया षड्यंत्र के तहत, बोतल पसंद नहीं आई लोगों को तो बोतल को अपने पास ले गए, लेकिन मैं टायर्स लेके आया। गतिमान है जो टाइस, नागौर को गति देंगे, विकास को, राजस्थान को विकास को गति देंगे। चिन्ह के लिए अपील जरूर मैंने करी थी, लेकिन वो ज्यादा मैं लपड़े में नहीं पड़ा। मुझे पता था कि मेरे भाई जब 19 दिन के अंदर बोतल को पॉपुलर कर सकते हैं तो 1 महीने के अंदर इस टाइस को भी देश के अंदर पॉपुलर कर देंगे। बहुत बड़ी जीत होगी, नागौर जिला इस बार इतिहास बनाएगा, हमेशा नागौर इतिहास बनाता है, और नागौर की धरती से एक नई किसान राजनीति की शुरुआत पूरे देश के अंदर होगी। आप देखना बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, जब आप नॉमिनेशन देखोगे तो आपको खुद ही लग जाएगा कि अलग ही नजारा इस नागौर की धरती पर, तेजाजी महाराज की धरती पर, रामचापीर की धरती पर आपको दिखेगा। क्या नरेंद्र मोदी से कुछ ज्यादा प्रभावित है इसलिए आपने गठबंधन का हिस्सा बनने का फैसला किया? देखिए पुलवामा के बाद सारे देश का हृदय परिवर्तन हो गया। कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन की मेरे से बात करी थी, RLP अकेली नहीं लड़ना चाहती राजस्थान के अंदर, हम राजस्थान तक ही सीमित रहना चाहते थे। फिलहाल गठबंधन हमारे सामने ये प्रश्न था कि हम किसके साथ जाएं, तो बच्चों की इच्छा थी सबकी कि राष्ट्रहित के अंदर इस बार गठबंधन बीजेपी से किया जाए, और भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी को PM बनाने के लिए हमने गठबंधन किया, और उन्होंने कहा कि आप खुद लड़ो तो मैं खुद मैदान के अंदर उतरूं आशीर्वाद लेने के लिए। समझ मेरे भाई, ये गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव तक ही या आगे जो विधानसभा चुनाव होगा तो उसमें भी आप इस गठबंधन को बरकरार रखेंगे? देखो आगे का तो आज तो कुछ कह नहीं सकते, जब ये तो लोकसभा के अंदर तय है, हम दिल्ली को मजबूत करेंगे और आगे मामला सारा ठीक रहेगा तो सारा ठीक रहेगा। बाकी अभी आगे तो चुनाव 4.5 साल बाद है, उसका अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अगर गठबंधन हुआ है तो निश्चित रूप से अच्छे के लिए हुआ है और आगे भी मिलकर काम करेंगे ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक होगा सारा काम आगे भी। बहुत बहुत शुक्रिया। कि जो गठबंधन है वो अच्छे के लिए हुआ है और उनकी कोशिश है कि वो ये चुनाव जीते और ज्योति मिर्धा चुनाव आए, तो नूपुर यहाँ से हनुमान बेनीवाल अब रवाना होंगे और नामांकन दाखिल करेंगे, उसके बाद एक बड़ी जनसभा यहाँ पर होने जा रही है जिसमें पूरे नागौर संसदीय क्षेत्र के लोग आ रहे हैं और हनुमान का यहाँ पे गांव-गांव में संपर्क है, इसलिए उनकी कोशिश है कि आज एक बड़ी जनसभा यहाँ पर हो जाए ताकि पूरे संसदीय क्षेत्र में एक मैसेज जाए, ताकि उन्हें मेहनत ना करनी पड़े, संघर्ष तो बहुत करना पड़ेगा उनको, उनके पास में कमल का फूल नहीं है, तो पुराना चुनाव चिन्ह उनका भी छीन लिया गया है, ऐसे में नए चुनाव चिन्ह के साथ संघर्ष कर पाएंगे ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमारे सामने चुनौतियां ज्यादा है और मिर्धा के सामने भी बहुत मुश्किलें हैं क्योंकि उनका भी उनकी पार्टी में विरोध हो रहा है और हनुमान बेनीवाल गठबंधन का क्या मैदान है तो देखना होगा किस तरह से। जी बाबूलाल बिल्कुल, और जिस तरह से बेबाकी से उन्होंने सवालों के जवाब दिए, साफ तौर पर एक कॉन्फिडेंस जीत को लेकर के दिखाई दिया हनुमान बेनीवाल में। तमाम जानकारियों के लिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया और फिलहाल